हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल दैट इज एक्सप्लोरिस्तान। सो गेस वेयर वी आर टुडे। सो आज हम आए हैं अलवर में सीपीएम मॉल, जो कि शायद बंद हो जाए आने वाले कुछ समय में, क्योंकि दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ सिनेमा हॉल ही है जो यहाँ पे एक्टिव है। सो आज हम चारों दोस्त आ गए हैं यहाँ पे फ्लैश मूवी देखने के लिए। थोड़ा सफर सो के बारे में अभी बताओ ना, सफ़र कैसा काफ़ी अच्छा था। देखो, सारी रहा? टूटी सड़कें थी हमारी। सड़कें छोड़ो, लिफ्ट तक बनती है यहाँ पर। लिफ्ट में हम गए नहीं क्योंकि बहुत रिस्की था। सीढ़ियां चढ़ के आए हैं बंद। काफी मेहनत का काम है फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचना सीढ़ियां चढ़ के, जब मूवी स्टार्ट होने में भी टाइम है। सो जैसे ही स्टार्ट होती है तो रिव्यूज जरूर देंगे, एक बार मूवी देखने के बाद बताएंगे आपको कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए फ्लैश मूवी देखने। मे बी डीसी के काफी फैन होंगे हमारे इंडिया में, बहुत है भाई, बहुत है। जैसे सदन सदन बहुत ही जबरा फैन ये वो है। बेच फ्लैश सो बहुत जल्दी मिलूंगा मैं। लेट्स मीट हाँ भाई, आफ्टर द मूवी पता गाइस, थैंक यू। है हम मूवी देखे हैं द फ्लैश, और मेरे को मूवी ठीक लगी। मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी जो ये सेंसलेस थी, बट मूवी में कॉमेडी काफी अच्छी थी। और अभी हम सदन से और राहुल से पूछते हैं इन लोगों को कैसी लगी है मूवी। हाँ भाई सदन, बता कैसी लगी मूवी। अच्छा राहुल से पूछो, चल राहुल तू बता भाई पहले। हाँ भाई देख, मूवी अच्छी थी, अच्छा टाइम पास था, हाँ लेकिन इसका डीसी से अभी मुझे तो लिंक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम ट्रेवल की स्टोरी है जो कर रहा है फ्लैश। अरे अरे राहुल, मैं तुझे बताता हूँ। देख, डीसी का थोड़ी सी मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है। जो ये बिकॉज इससे पहले जल्दी ना क्या मिलते डीसी हैं। पूरी तरीके से खत्म था, डीसी के पास कुछ कंटेंट नहीं बचा हुआ था। जब से ये इस मूवी का मेन मुद्दा यही था कि डीसी को रिबूट करने के लिए था। अब इसने इस ये था ना भगोड़ा, इसने किया सारा छेड़छाड़ी, ठीक है ना। अब होगा रिबूट, अब फ्लैश मतलब फ्लैश का रिबूट होगा, सुपरमैन का रिबूट होगा। कहाँ गया पुराना जो अभी तक चल रहा था बैटमैन, वो कहाँ गया? सब चीजें रिबूट होंगी। अब होगा मार्वल और डीसी का मैन अरे टक तू ये करवा। बता मूवी कैसी लगी, इतनी मूवी स्टोरी यार, मत मूवी बता। मुझे अच्छी लगी है। देखो, चाहे वीएफएक्स लगा लो, स्टोरी वाइज लगा वीएफएक्स लो, तो देख काफी अच्छे थे, देख वो तो बहुत मेरे को भी अच्छे थे अच्छे भाई, लगे। मुझे अच्छी लगी। बाकी आदिपुरुष से तो 100 गुना अच्छी थी भाई, उसकी स्टोरी अच्छी है बट प्रेजेंटेशन बकवास थी। वो मैंने आपको शेयर किया था पहले भी, मैंने एक शो पहले उसका देखा था, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, श्री राम की, बिल्कुल ही बकवास थी भाई, मतलब मन उन्होंने कर रहा स्टोरी था। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, मतलब स्टोरी देखो, रामायण कोई गंदी चीज नहीं है, रामायण सब जानते हैं रामायण डायलॉग ही क्या है। अच्छे नहीं बताए यार उसमें। हाँ अरे डायलॉग क्रिंज वाले यूज किए हैं उन लोगों ने, डायलॉग अच्छे नहीं है, वही मैंने, चलो बट मीम्स अपना काफी मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन मीम्स जो बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि छपरी लैंग्वेज यूज हुई है छपरी उसमें। हुई है भाई। अपना मुद्दा है सिर्फ अभी अगर फिलहाल द फ्लैश फ्लैश का है। फ्लैश का सुन मेरी बात, देख फ्लैश सीरियसली अच्छी मूवी बनाई डीसी ने, और काफी टाइम के बाद बनाई है। बहुत सारी चीज, अभी बहुत मूवी आई थी डीसी की, कुछ भी नहीं था ढंग का, ठीक है। बट ये चीज है कि स्टोरी के साथ साथ वीएफएक्स, प्रेजेंटेशन और डायरेक्शन अच्छी की गई है इस मूवी की, थैंक यू। बाकी आप बताओ। और सचिन आप बताना चाहोगे कैसी लगी आपको नहीं, मूवी। मेरे को बकवास मूवी लगी, मेरे को सचिन नींद आ गई थी, तो एकदम सोने में बकवास लगे होंगे। सेंसलेस मूवी थी। ए साले तेरे को तो हर मूवी अरे बेकार एडिट कर लगती दे, है। तू एडिट ठीक करके बंद कर दे। है ना डालेंगे ना।